बीएससी नर्सिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, ट्वेल्थ में कितने नंबर लाने पड़ते हैं और इसे करने के बाद कौन कौन सी नौकरियां मिल सकती है। दोस्तों बीएससी नर्सिंग नर्सिंग फील्ड का एक बेस्ट कोर्स है, एएनएम जीएनएम से ये कई गुना बेहतर है। जी हाँ, बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है जिसे ट्वेल्थ के बाद डायरेक्ट किया जा सकता है। बस ट्वेल्थ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश विषय आपके पास होने बेहद ज़रूरी है और ट्वेल्थ में अगर कम से कम 45% नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आप इस कोर्स को आसानी से कर सकते हैं। इस कोर्स को प्राइवेट और सरकारी दोनों कॉलेजों से किया जा सकता है। तो अगर प्राइवेट कॉलेज से आप इस कोर्स को करते हैं तो उसमें खर्चा ज़्यादा आएगा, वहीं सरकारी कॉलेज से करने पर खर्चा कम आता है, लेकिन उसमें पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ता है और सभी राज्य अपने स्तर पर बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाते हैं, तो आपको वो पास करना होगा। और यही कुछ कॉलेज हैं, जैसे बीएचयू है, डीयू आसाम ऑयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज केरला, जिपमर कॉलेज पुंडचेरी, सीजी पीजी आईएमएस लखनऊ, ये इस तरह के कुछ कॉलेज है। इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह के ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम अप्रैल मई के महीने में लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये पास करने होंगे और एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं वो सभी ट्वेल्थ लेवल के ही पूछे जाते हैं। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, इन विषयों के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और बीएससी नर्सिंग में आपको कौन कौन से विषय पढ़ने पड़ेंगे अब ये भी जान लीजिए। इसमें एंटोमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, नर्सिंग फंडामेंटल्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पेडियाट्रिक नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इन नर्सिंग, इस तरह के विषय आपको इन 4 साल में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब जान लीजिए आखिर इस कोर्स को करने के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती है। तो दोस्तों देखो, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप बन जाते हैं एक प्रोफेशनल नर्स। आपको किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल क्लिनिक में नर्स के रूप में नौकरी मिल जाएगी, जहां पर 18,000 से 20,000 रुपये के लगभग वेतन शुरुआत में मिलना शुरू हो जाता है। या बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बीडीएस, बीयूएमएस, बीवीएससी, बीएएमएससी, इस तरह के कुछ कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज को करके आप सीधे डॉक्टर बन सकते हैं, अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरियों के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में नर्सिंग ऑफिसर, सीएचओ, स्टाफ नर्स, इन पदों के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको मिल जाती है। तो दोस्तों अब आपको बीएससी नर्सिंग की सारी कहानी समझ में आ गई होगी। अगर आप भी कोई सवाल है, आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। धन्यवाद।